Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So this is the second part of bone fracture. इस वीडियो में इस टॉपिक में हम जो है रिपेयर और फ्रैक्चर बोन यानी हीलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस में हमारे साथ हेमाटोमा फॉर्मेशन होते हैं, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन होते हैं, बोनी कैलस फॉर्मेशन होते हैं और इसी तरह बोन रिमॉडलिंग होता है, हम ये पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ये पहले जूम करूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी हमारे साथ बोन फ्रैक्चर हो जाती है यानी बोन जो है टूट जाता है, तो बोन में हमारे साथ ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं और सराउंडिंग में जो टिश्यू होते हैं वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है जिसको हम हेमोरेज कहते हैं, हेमोरेज होकर, ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्चर। ये है हमारे साथ पीरियोस्टियम। पीरियोस्टियम इज द आउटर लेयर ऑफ बोन, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कम्पैक्ट बोन एंड द इनर बोन इनर सरफेस इज स्पॉन्जी बोन, ठीक है। ये है हमारे साथ ब्लड, ये है हमारे साथ होलो पार्ट ऑफ बोन, ठीक है। होलो पार्ट ऑफ बोन इज ऑल्सो कॉल्ड मेड्यूला। अब पहला स्टेप है हमारे साथ फ्रैक्चर के थोड़े देर बाद हमारे साथ हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाते हैं। हेमाटोमा किसे कहते हैं? हेमा कहते हैं ब्लड को, टोमा कहते हैं क्लॉट को, यानी द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड व्हाट? हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन, हेमाटोमा में क्या होता है, ठीक है। जब आप लोग तो ये समझ चुके हैं कि जब भी बोन ब्रेक हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स भी टियर हो जाती है, सराउंडिंग टिश्यू भी जो है वो भी टियर हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट भी बन जाता है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से इस कैविटी में, यहाँ पर बोन फ्रैक्चर की वजह से यहाँ पर कैविटी बन जाता है। इस कैविटी में हमारे साथ ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पर जो सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ब्लड वेसल्स ना है और ब्लड वेसल्स में ना होने की वजह से यानी न्यूट्रिएंट्स ना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है और ब्लड न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है टू द टिश्यू। तो ब्लड वेसल्स ना है, ब्लड नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ टिश्यू होते हैं और उन टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डेथ उनकी हो जाती है, जिसको हम डिप्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, वो सेल्स डेथ हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हेमाटोमा फॉर्मेशन है, डेथ ऑफ सम सेल्स, ठीक है। फिर जब वो डेथ हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में स्विलिंग होता है और पेन होता है और रेडनेस यहाँ पर अपीयर हो जाती है, रेडनेस, ओके, जो जगह ब्रेक या फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, बोन में। अब हम ये पढ़ेंगे फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। ये क्या है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, क्या है, और इस स्टेप में हमारे साथ, दूसरे स्टेप में हमारे साथ क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स दोबारा रिपेयर हो जाते हैं, किस तरह होते हैं अभी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। असल में कुछ यूँ होता है कि जब भी हमारे साथ हेमाटोमा बन जाते हैं तो हेमाटोमा हमारे साथ एक ख़ास एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं वॉन विलब्रेंट फैक्टर, ठीक है। इस केमिकल, ये केमिकल क्या करता है, ये सिक्रीट होता है फ्रैक्चर साइट में। कौन सिक्रीट करता है? वह यह हेमाटोमा सिक्रीट करता है, ठीक है। ये केमिकल है, ये केमिकल जब सिक्रीट हो जाता है तो यहाँ पर जब हमारे साथ जो फिब्रोब्लास्ट्स मौजूद होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो हमारे साथ मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और उस मैट्रिक्स के साथ साथ हमारे साथ कोंड्रोब्लास्ट भी सिक्रीट करता है। कोंड्रोब्लास्ट हमारे साथ कोंड्रोसाइट सिक्रीट करते हैं। मैं आप लोगों को ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को इस टर्म को समझाने वाला हूँ, इस फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन इसमें एक्सप्लेनेशन मौजूद है, इसलिए मैं आप लोगों को यह सब कुछ बातें बताना जा रहा हूँ। अब जब भी हमारे साथ मैट्रिक्स जो है सीक्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और कोंड्रोब्लास्ट सीक्रेट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू केमिकल वॉन विलब्रेंट फैक्टर जो केमिकल है उसकी वजह से, तो फिर यहाँ पर हमारे साथ जो कोंड्रोब्लास्ट है वो कोंड्रोसाइट सीक्रेट करते हैं और कोंड्रोसाइट पर क्या करते हैं, कोंड्रोसाइट हमारे साथ कार्टिलेज बनाता है, क्योंकि कोंड्रोसाइट क्या है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है, कार्टिलेज इस कैविटी में कार्टिलेज बनाता है। इसी तरह फिब्रोब्लास्ट जो है कोलेजिन टाइप 1,
या कोलेगान टाइप 1B सीक्रेट करता है, ठीक है, जो स्केविटी को फिलअप करता है। ये कार्टिलेज जो है, ये मैट्रिक्स क्या करता है, स्केविटी को फिलअप करता है, ठीक है। फिर हमारे साथ होता क्या है, बस यही तक जो है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन में ये होता है। अब ये फिब्रो क्या है, फिब्रो कहते हैं फिब्रोब्लास्ट को, ठीक है, फिब्रो कहते हैं फिब्रोब्लास्ट को, कार्टिलेजिनस कहते हैं कार्टिलेज को, कैलस कहते हैं इररेगुलर इन शेप या शेपलेस बॉडी, ठीक है, कैलस कहते हैं शेपलेस बॉडी को। अब यहाँ पर जो है, जो कार्टिलेज बन चुका है वो क्या होता है, वो कैलस होता है। कैलस का क्या मतलब है, यानी इररेगुलर या शेपलेस बॉडी होता है, शेपलेस कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो उस कार्टिलेज में फिर क्या फर्दर क्या होता है, उस कार्टिलेज में हमारे साथ, ये तो आप लोगों समझ चुके होंगे कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस कैसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा कि हमारे साथ ब्लड वेसल्स किस तरह बनते हैं। जो कार्टिलेज जो है, वो जो कार्टिलेज है यहाँ पर, वो शेपलेस होता है, तो उस कार्टिलेज में हमारे साथ डिफ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कार्टिलेज में हमारे साथ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स नहीं होते, उनमें जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, किस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। तो डिफ्यूजन, फिर उस डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन होता है इस कार्टिलेज में, इस कैलस में, ठीक है। तो फिर ड्यू टू माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से यहाँ पर जो ब्लड, जो ब्लड वेसल्स है वो वापस रीजेनरेट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उस जो है उन सेल्स को, न्यूट्रिएंट्स कैपिलरी जो है ना, सॉरी कार्टिलेज सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी, ओके। तो यहाँ पर इस तरह ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो कार्टिलेज जो बन चुका है वो क्या है, वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस तरह हम इस फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन को हम सॉफ्ट कैलस भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कार्टिलेज में, कि कार्टिलेज इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो सॉफ्ट कैलस हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कार्टिलेज बन चुका है और ये कार्टिलेज हमारे साथ क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट टिश्यू है कार्टिलेज। तो ये हमारे साथ ये टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर ये टिश्यू जो होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होते हैं, ये इस कैविटी को फिलअप करता है और ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू, इस टिश्यू को, ये कार्टिलेजिनस टिश्यू को हम ग्रेनुलेटेड टिश्यू भी कहते हैं। और इसी तरह फिल गैप, ये गैप जो होता है ये फिलअप हो जाती है ड्यू टू दिस ग्रेनुलेटेड टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेजिनस टिश्यू। ये फ्रैक्चर जगह जो है क्या होता है, फिलअप हो जाता है। तो इतना ही फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन में था। अब इसके बाद क्या होगा, बोनी कैलस फॉर्मेशन में ये होता है कि यहाँ पर जो कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स जो बन चुका है, ठीक है, वो अब क्या होगा, वो स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बोनी कैलस फॉर्मेशन में हमारे साथ स्पॉन्जी बोन पहले बनता है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जब भी हमारे साथ बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ 350 कार्टिलेजिनस बोन्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे साथ कार्टिलेज बनता है, फिर हमारे साथ स्पॉन्जी बोन बनता है, और स्पॉन्जी बोन का यानी कार्टिलेज का क्या होता है, ओसिफिकेशन होती है, ठीक है। तो पहली कार्टिलेज होता है, फिर स्पॉन्जी बोन होता है, फिर कम्पैक्ट बोन होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ पहला कार्टिलेज बना, इस कार्टिलेज से फिर हमारे साथ स्पॉन्जी बोन बनेगा, और ये स्पॉन्जी बोन फिर कन्वर्ट होकर कम्पैक्ट बोन बनेगा। अब यहाँ पर स्पॉन्जी बोन किस तरह बनेगा, ये इररेगुलर शेपलेस कार्टिलेजिनस कार्टिलेज जो है, ये अब इसके साथ क्या होगा, ये जो है अब इसको यही इस पर जो है फेगोसाइटिक सेल वो क्या करेगा, अटैक करेगा और इस कार्टिलेज को ख़त्म करेगा, ठीक है, इस मैट्रिक्स को ख़त्म करेगा। और किस तरह ख़त्म करेगा, यानी क्यों ख़त्म करेगा, क्योंकि हमारे साथ ब्लड वेसल्स बन चुके हैं, ठीक है, इसमें ब्लड जो है वो कैरी हो रहा है, यानी ब्लड जो है कैरी होता है, ठीक है, ब्लड मूवमेंट करता है इन ब्लड वेसल्स में। हमारे साथ जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं उनको जब सफिशेंटली ब्लड सप्लाई होता है तो फिर वो क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जब वो सीक्रेट करते हैं तो फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियो
ऑस्टियोक्लास्ट्स बनाते हैं और वो ऑस्टियोक्लास्ट्स जो है वो इस सेल यानी इस कार्टिलेज पर अटैक करते हैं। वो ऑस्टियोक्लास्ट इस कार्टिलेजिनियस कैलस को क्या करता है, ख़त्म करता है। इस ये ब्लड विसल्स जो है यह क्या होता है, यह रह जाता है और यह एक्सटर्नल कैलस, आप लोग ये मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल कैलस, ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है इसको ख़त्म करता है। तो फिर क्या होगा हमारे साथ, जो फिब्रोब्लास्ट, जिस फिब्रोब्लास्ट ने ऑस्टियोब्लास्ट को सिक्रेट किया है, वो ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर जो है मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा, मगर वो मैट्रिक्स जो है वो कंसंट्रेटेड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है तो प्लीज़ बी फोकस। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स सीक्रेट होगा, कौन सीक्रेट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करेगा, फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ऑफ स्पॉन्जी बोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ स्पॉन्जी बोन बन जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है तो वो कार्टिलेज क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट होता है, तो बोनी कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, बोनी कहते हैं बोन को, कैलस यहाँ पर कैलस होता है, हम कैलस इररेगुलर कहते हैं, मगर यहाँ पर जो मैट्रिक्स अब सीक्रेट हुआ है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो है एज़ कम्पेयर टू दिस मैट्रिक्स इट इज़ लिटल बिट शेप, ओके, इट हैज़ शेप, यानी ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उनका शेप भी है। ठीक है, और वो अरेंज जो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सॉफ्ट कैलस, ठीक है, इसको हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं, कन्वर्ट टू बोनी कैलस। ठीक है, आप लोग मेरी उम्मीद है समझ रहे हैं, ये है हमारे साथ सॉफ्ट कैलस। ठीक है, सॉफ्ट कैलस जो है इसमें हमारे साथ यहाँ पर जो सॉफ्ट कैलस था वो कन्वर्ट हो गया किस में, बोनी कैलस में, और किस तरह कन्वर्ट हो गया मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारे साथ इसके बाद जो स्टेप है, यानी यहाँ पर स्पॉन्जी बोन बन गया ड्यू टू ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स, अब ये स्पॉन्जी बोन कन्वर्ट होगा कम्पैक्ट बोन में। ठीक है, ये स्पॉन्जी बोन कन्वर्ट होगा कम्पैक्ट बोन में। कम्पैक्ट बोन कैसे बनेगा, ये स्पॉन्जी बोन स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम आफ्टर सेवरल मंथ्स। ठीक है, ये स्पॉन्जी बोन खुद ही खुद कम्पैक्ट बोन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो सीक्रेट होते हैं ड्यू टू ऑस्टियोब्लास्ट, यानी वो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट होते हैं, इमेच्योर होते हैं, यहाँ पर जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो मेच्योर हो जाते हैं, मैट्रिक्स में एम्बेडेड होकर, मैट्रिक्स में एंट्रैप्ड होकर ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, और वो ऑस्टियोसाइट्स हमारे साथ कम्पैक्ट बोन बनाते हैं, ये है हमारे साथ कम्पैक्ट बोन। ठीक है, और स्पॉन्जी बोन यहाँ पर हमारे साथ अंदर ही अंदर स्पॉन्जी बोन होता है, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होकर मैच्योर बोन सेल्स होकर मैट्रिक्स में एंट्रैप्ड होकर यहाँ पर कम्पैक्ट बोन बनाता है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग, कम्पैक्ट बोन लेड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से हमारे साथ कम्पैक्ट बोन बन जाता है। ठीक है, तो ये बोन जो है ये अब प्रीवियस बोन जैसा था उस ही तरह बोन बनेगा, अब ये बोन जो है मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए क्या होगा, मैकेनिकल लोड के लिए अब रेडी है, यानी रिस्पॉन्स के लिए रेडी है, तो इसी तरह हमारे साथ बोन जो है वो बनता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इस टॉपिक में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कंसेप्ट था। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ था तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।